देखते हैं रुको। तो यार शब्द बकेट में ऐसे कितने, बकेट में बी यू सी के ई टी बकेट में, ये कोडिंग वो है क्या है, कौन सा चैप्टर है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट है ना। तो बकेट में शब्द बकेट में कुछ है, शब्द बकेट में लिख लिया होगा, बकेट में कितने अक्षर युग्म है, कितने अक्षर युग्म है जो जो अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में दिया है एक, ऑप्शन बी में दो, ऑप्शन सी में तीन, ऑप्शन डी में चार। तो चार ऑप्शन है ए बी सी डी करके। ये बताना कितना आएगा, वन आ रहा है, चेक कर ले रहे हैं, वन आ रहा है, कितना आ रहा है। राइट आंसर है वन ही है। तो ये दिया है शब्द बकेट बी यू सी के ई टी, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्विंग, बकेट बी यू सी के ई टी, बकेट को पहले लिख लिया है ना रश्मि, फिर उसके बाद इसको काउंट किया बी से सी डी ई एफ जी, इधर तो नहीं है सी और ई एफ, बी सी डी ई एफ नहीं है, तो यू से करेंगे, यू के बाद बी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है, सी डी ई, तो सी और ई है, सी और ई है ना, एक पेयर ये मिला हमें, सी डी ई एफ नहीं है, के बाद के एल एम एन नहीं है, ई के बाद नहीं है कुछ, ई से काउंट करते हैं रिवर्स ऊपर, टी यू वी डब्ल्यू नहीं है कोई, ई एफ जी एच नहीं है, के एल एम एन नहीं है, सी डी ई नहीं है, यू वी नहीं है, तो राइट आंसर क्या है, एक ही है, वन पेयर है, वन युग्म है, वन जोड़ा है, तो इसको कह सकते हैं युग्म एक, तो ये हमारा आंसर है, तो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखते हैं, दूसरा करते हैं, शब्द सीक्वेंटियल एस ई क्यू यू, एस ई क्यू यू, एस ई क्यू यू, बिगाड़ दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, शब्द एस ई क्यू यू, क्यू यू ई एन ई एन टी आई ए एल सीक्वेंशियल टी आई, एक ही बार है, टी आई ए एल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। सेम तरीका है, सेम प्रोसेस है, जो अभी क्वेश्चन किया है उसी तरीके को लगाना है। शब्द सीक्वेंशियल में से कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच या उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इसको भी वैसे ही कर देंगे, ठीक है,
SEQU EN नहीं लगाता, EN लिखना है, Equential ENTIAL तब से ही बैठेगा, एन और लगा लेना है ना, ए के बाद एन, Sequential अब सही है। तो इसको काउंट करना है वैसे ही जैसे अभी काउंट कर रहे थे, करो जल्दी से। ऑप्शन दिए हैं इसमें ए बी सी और डी, ऑप्शन ए में दिया है एक भी नहीं, बी में दिया है एक, सी में दिया है दो, और डी में दिया है तीन, और ई में दिया है तीन से अधिक। तीन से अधिक तीन से अधिक ठीक है, तीन से अधिक तीन भी दिया ऑप्शन, तीन भी दिया, तीन से अधिक में चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीन से अधिक में ठीक है। देख लेते हैं इसको कितना दिया है आंसर, वैसे तो आंसर सही है तो तीन से अधिक है ऑप्शन में, और आपको बताने कितने हो रहे हैं ऐसे, चार हो रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं चार हो रहे हैं ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको काउंट कर लेंगे, तो जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के इंग्लिश अल्फाबेट को पढ़ते हैं वैसे इसको पढ़ेंगे, ये तो आप समझ रही बहुत दिन से, तो ठीक है पढ़ना जरा पढ़ो इसके बाद। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी नहीं है ऐसे पढ़ा, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी ऐसे ए हाँ, इस मतलब ए जो सी से पहले आ रहा है वो तो बाद में आते हैं, उसको बाद में गिनेंगे, उसको बाद में गिनेंगे, पहले ये इस तरफ से सीरीज चलने दो ना, नहीं इस तरफ से एस एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स बाय जेड फिर ए ए हाँ तो ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे कर सकते हैं हमारा सही है, ये एक ये हो गया, चलो ऐसे गिन सकते हैं क्योंकि जहाँ जेड एंड हो गया यहाँ तक जेड खत्म हो गया फिर ए है ना, चलो ये कह सकते हैं कि एस से ए ठीक है, वन पेयर। दूसरा ई के बाद, ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं है, क्यू से गिनो, क्यू क्यू के बाद एच टी क्यू यू, क्यू के बाद आर एच टी यू वी डब्ल्यू नहीं है, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है, ई के बाद ई एफ जी एच I, J नहीं है, E के बाद N आ गया, N से गिनो, N, O, P, Q, R नहीं है, P से गिनो, T, U, V, W नहीं है, I, J, K नहीं है, A, B नहीं है, अब पीछे से गिनो, C, D, E, F, G, H, I, J, K नहीं है, A, B, C, D, E, तो A, B, A से E तक हो गया है ना, ये दूसरा पेयर हो गया, ये पहला हो गया, ई तक यहाँ तक आ गई, ई एफ जी एच नहीं है, आई जे के एल एम एन ओ पी नहीं है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है, एन ओ पी क्यू, एन के बाद क्यू है ना, तो एन के बाद क्यू है तो ये तीसरा पेयर हो गया, क्यू क्यू के बाद आर एस नहीं है, आगे चलते हैं एन के बाद ई एफ जी एच आई नहीं है, यू वी W X नहीं है, Q Q के बाद R S ये भी है ना, Q के बाद S हाँ बताओ सही, एक और बन जाएगा N S N से हाँ N P Q R S कहाँ है, N के बाद M N O P Q नहीं आ रहा, N से आता है O M M कहाँ आता है, N से O आता है हाँ। N से O P Q R S ये सही है, N से चलेंगे, N के बाद O P Q R S, तो N से क्या हो गए S, तो ये पांच, तो और भी बन रहे हैं क्या, काउंट कर ले रहे हैं, Q के बाद हो गया था Q R S नहीं है, E के बाद Q R S है, Q R S, तो Q R S तो ये लिख दिया पहले से, पहले लिख दिया yes.
क्यू आर एस, ये तो पहले लिख दिया, तो क्यू आर एस हो गया, ई अब नहीं है कोई, तो टोटल कितने हो गए पेयर, पांच पेयर हो गए, जो तीन से अधिक है, राइट आंसर है इसका तीन से अधिक। ठीक है देखो इनको सारे पेयर्स को, ठीक है जब ये सही पेयर लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा है आज, लेकिन शब्द कंचन इसको बता दो फिर, ठीक है शब्द कंचन क्वेश्चन नंबर तीसरा है, शब्द कंचन के ए एन सी एच ए एन कंचन के ए एन सी एच ए एन कंचन में ऐसे कितने अक्षर युग्म है, ऐसे कितने अक्षर युग्म है, अक्षर युग्म है जिनके बीच यहां, जिनके बीच यहां उतने ही अक्षर हैं, उतने ही अक्षर हैं जितने की, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में जिनके बीच होते हैं, जिनके बीच होते हैं ऑप्शन ए बी सी और डी, डी है ऑप्शन ए में दिया है एक, बी में दो, सी में दिया है तीन, डी में दिया है चार और ई में दिया है इनमें से कोई नहीं। कीजिए इसको बिल्कुल सेम प्रोसीजर, टू होगा देख लेना, दो टू राइट आंसर, वैसे बहुत ही बढ़िया टू है, चेक कर लेना इसको। तो के से गिनना शुरू करेंगे, के बाद एल एम एन ओ पी क्यू नहीं है, ए से शुरू करें ए बी सी, तो एक मिल गया ए से कहां तक सी, तो पहला पेयर मिल गया है ए और सी, दूसरा ए के बाद सी मिल गया, सी के बाद डी ई एफ नहीं है, एन से गिनना शुरू करेंगे एन ओ पी क्यू आर नहीं है, सी से गिनो डी ई एफ नहीं है, एस से गिनो एच आई जे नहीं है, ए से गिनो ए बी नहीं है, पीछे से गिनना शुरू करो एन, एन से एन ओ पी क्यू आर एच टी नहीं है, ए से गिनो ए बी सी, ये एक ए से सी है, फिर से है ना A B C D E F नहीं है, C यहाँ से गिनो H I J K नहीं है, I H से गिन ले रहे दोबारा H I J K L नहीं है, C से गिन ले रहे C B E F नहीं है, N से O P A B नहीं है, तो राइट पेयर कितने हैं, दो पेयर हो गए A C और A C, एक A C आगे से और एक A C पीछे से, काउंट किया तो दो पेयर बन गए, तो राइट आंसर है हमारा दो, ठीक है ना। ओके एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको इरेज करो, इसमें बिगाड़ो इसको, यस सर, ठीक है, तो अब देख रही होगी आपको ऐसे क्वेश्चन तो आप कर लोगे, यस सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चार चलते हैं, इसको आज चैप्टर को खत्म कर लेगा, नेक्स्ट चैप्टर लगाएंगे आप, शब्द हेल्पलेस, शब्द हेल्प लेस एच ई एल पी हेल्प लेस एल ई डबल एस शब्द हेल्पलेस मैं ऐसे कितने अक्षर युग्म है,
मैं ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच में होते हैं। ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, पांच ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में एक, दो, तीन। ऑप्शन ए में एक, बी में दो, सी में तीन, डी में तीन से अधिक और ई में दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। दबाएंगे सेम प्रोसीजर। तो पहले सबसे पहले हेल्पलेस को लिख लें और इसको ट्राई करें। अभी चेक करते हैं, कीजिए इसको। तो ठीक है, चेक कर ले रहे हैं। टू होगा, कितना होगा? वन, टू, टू। राइट आंसर वैसे टू ही है, बहुत ही बढ़िया। चेक करें कैसे किया रश्मि, काउंट कर लिया जैसे इंग्लिश अल्फाबेट को काउंट कर लेते वैसे, है ना? यस। तो कैसे काउंट कर लिया? एच के बाद काउंट करेंगे, एच के बाद I, J, K, L, M, N, O नहीं है कुछ नीचे गिना। E, F, G, H, I, J, K ऐसे गिना। L, M, N, O, P, Q नहीं है नीचे गिना। P, Q, R, S तो P से मिल रहा है P, Q, R, S तो एक बन रहा है P और S, वन पेयर है ना पहला। तो पहला पेयर बन एक H और L बन रहा है I से H से P-S, H, I, J, K, L बहुत ही बड़ी छूट जा रहा था। H, I, J, K, L तो एक H से L भी बन रहा है और काउंट कर लेते हैं। H, I, J, K, L, M, N नहीं है। E, F, G, H, I, J, K L नहीं है। L, M, N, O, P, Q नहीं है। P, Q, R, S, T तो एक तो पी एस मिल गया, एक एच एल मिल गया। एल से गिनते हैं, एल, एल के बाद एम, एन, ओ नहीं, ई, एफ, जी नहीं है, एस, टी नहीं है। फिर पीछे से गिनते हैं तो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है, ई, एफ, जी, एच, आई, जे नहीं है, एल, एम, एन, ओ, पी नहीं है, एल इसे गिनते हैं, पी, क्यू, आर, एस नहीं है, टी, यू, L है ये, L, M, N नहीं है, E, F नहीं है। तो राइट आंसर कितना है? दो पेयर बन रहे हैं। तो दो पेयर हैं, तो इधर दो पेयर हैं, तो राइट आंसर है दो पेयर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है रश्मि सारा? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया तो हो जाएंगे। तो इसका जो इसकी लैंग्वेज है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रही है? ओके, वैसे क्वेश्चन करेंगे तो फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट का ये टाइप टू है, टाइप थ्री है, टाइप थ्री है ना, टाइप थ्री कंप्लीट हो जाएगा। दो चार और क्वेश्चन रह गए उनको और लगा ले रहे हैं। शब्द क्वेश्चन नंबर कौन सा आज? फाइव है शायद। शब्द देखेंगे, शब्द कफ, सी ए यू जी एच, शब्द कफ, सी ए यू जी एच में कितने अक्षर युग्म है, कितने अक्षर युग्म है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में
माला में होते हैं। जब जितने के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं वही है, तो ऑप्शन ए बी सी डी लिख ले रहे हैं। ऑप्शन ए में एक, बी में दो, सी में तीन। ए में एक, बी में दो, सी में तीन, डी में तीन से अधिक और ई में इनमें से कोई नहीं। करेंगे वन पेयर। एक बार और चेक कर लो, शायद दो हो सकते हैं। एक बार और ट्राई करो, दो पेयर हो सकते हैं। राइट आंसर इसका देखते हैं, दो आ रहा है वैसे तो। देखते हैं, एक ही बन रहा। चलो चेक कर ले रहे हैं। CAUGH अब ये लिखा है, ठीक है। चलो कोई नहीं, तो सबसे पहले लिखते हैं CAUGH, जो भी आएगा वही आंसर होगा। तो C से काउंट करते हैं ना, C तो D E F जी नहीं है, कोई नहीं है इधर से। सी के बाद देख ले रहे हैं और तो, और एक बार सी डी ई एफ जी नहीं है, ए बी सी डी नहीं है, यू यू के बाद बी डब्ल्यू नहीं है, जी एच एक जी एच है, एक मिल गया जी एच, फिर नहीं है। एच से काउंट करते हैं, एच आई जे के एल नहीं है, जी एच I, J, K नहीं है, U, V, D नहीं है, A, B नहीं है। वन पेयर है इसका, C, फिर D, E, F, G, तो एक ही पेयर है, तो राइट आंसर है वन पेयर। C, तो इसमें दो पेयर कैसे दे रहा है, चलो एक ही पेयर हो सकता है, गलत हो जाता हो कभी कभी, है ना। राइट आंसर क्या आ रहा है इसमें, जी एच वन पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, शब्द बिगाड़ो इसको। क्वेश्चन नंबर छह, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है, शब्द स्टैटिस्टिक STATISTICS में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच स्थित होते हैं, ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी ई करके, कीजिए इसको। ऑप्शन ए में दिया है एक, एक बी में दिया है दो, सी में दिया है एक भी नहीं, डी में दिया है तीन, और ई में दिया है इनमें से कोई नहीं।
होगा अच्छा कलर है एस टी ए टी आई एस टी आई सी स्टैटिक शब्द आपने बताया टू होगा ठीक है चेक कर लेते हैं देख लेना ठीक हमारी बिल्ली होगा क्या कहना है ठीक है उसमें कैसे मिलेंगे एस टी एक तो एक ही मिल गया ये एस और टी वन पेयर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है जेड के बाद ए नहीं है कुछ है ना टी से लो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी नहीं है कुछ ए से लो ए बी सी डी ई एफ जी नहीं है टी से लो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है आई से लो I J K L M नहीं है कुछ ऐसे करो S T फिर से S T मिल गया S T U V नहीं है पीछे करो T U V नहीं है I J नहीं है पीछे से करो S C C से करो C D E F G H I J K नहीं है I से करो I J K L M N O P नहीं है T U V W X Y Z नहीं है ऐसे करो S T U V W X नहीं है ऐसे करो I J K L M नहीं है तीसरे करो T U V W नहीं है A B C नहीं है और T और U राइट इस कितने हैं टू पेयर है बहुत ही बढ़िया टू पेयर है ठीक है दो क्वेश्चन और कर लेते हैं उसके बाद ये चैप्टर क्लोज करते हैं लिखो शब्द हम्बल में हम्बल इसको बताता हूँ ठीक है शब्द हम्बल में कितने अक्षर युग्म है क्वेश्चन है शब्द हम्बल में ऐसे कितने अक्षर युग्म है क्वेश्चन नंबर कितना है सात है क्या yes. शब्द हम्बल में एच यू एम बी एल ई एम बी एल ई हम्बल एच यू एम बी एल ई में ऐसे कितने में ऐसे कितने अक्षर युग्म में जितने की जितने की जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में स्थित होते हैं करें ऑप्शन है चार तीन एक चार तीन एक तीन से अधिक या इनमें से कोई नहीं वन आपने बताया वन होगा चेक कर लेगा है तो क्या दिया शब्द दिया हम्बल क्या दिया हम्बल एच यू एम बी एल काउंट कर ले रहे हैं जो भी निकल के आएगा एच से काउंट कर रहे हैं एच एच के बाद आई जे के एल तो एक मिल रहा है एल एच आई जे के एल तो एक मिल रहा है पेयर एच और एल एल के बाद आता है क्या एम नहीं है कुछ यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है M से काउंट किया M N O P नहीं है कुछ भी आगे B से काउंट किया B C D नहीं है
एल से काउंट किया, एल एम नहीं है, पीछे से काउंट करें ई एफ जी एच आई जे नहीं है, एल एम एन ओ पी नहीं है, बी सी डी ई नहीं है, एम एन ओ यू बी नहीं है, तो कितना आ रहा है, वन पेयर आ रहा है, तो यही राइट आंसर है, ठीक है ना, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए इसमें, सेवन क्वेश्चन हो गए, ठीक है, रीजनिंग को रखते हैं क्लोज, नेक्स्ट चैप्टर लगाते हैं, नया सब्जेक्ट लगाते हैं मैथ, ओके चलो मैथ निकाल लेंगे और थोड़ी देर 5 मिनट का रेस्ट करेंगे।